Hello students, in this video we are going to read the second part of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the first part we had read that Nelson Mandela was addressing the people of South Africa in his inauguration ceremony, and he has just been elected as the president of South Africa, and he is addressing the people. In his speech he says that never again this beautiful land will experience the oppression of one by another. So this was what we had read in the first part. Let's go to the second part. So after that Nelson Mandela says, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो कुछ ही देर के बाद, मेरे स्पीच के कुछ ही देर के बाद, हम सब ने अपने आंखें ऊपर किए, ऊपर की तरफ देखने लगे. एंड वी वर ऑल अमेज्ड. ऑ मीन्स अमेज्ड. हम इतने अमेज्ड क्यों थे? बिकॉज साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस डिस्प्ले कर रहे थे. एरे मीन्स डिस्प्ले. और ये सिर्फ इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी to a new government that had been freely and fairly elected. तो ये सिर्फ अपना perfection, pin point, precision दिखाने के लिए ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ये military का submission था to the newly formed government को. Democracy के सामने military भी खुद को submit कर रहा था. ये उसका एक symbol था. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. बस कुछ ही देर पहले साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के मेंबर्स और पुलिस मेंबर्स सब ने मुझे सल्यूट किया. उनके चेस्ट पे बहुत सारे मेडल्स थे, रिबन्स थे, जो कि उनके पास्ट ब्रेवरी के लिए उन्हें मिला है, और उन्होंने सब अपना प्लेज लिया. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और जब वो मुझे अरेस्ट कर रहे थे, मेरे माइंड में ये चीज़ भी था, ये चीज़ भी मेरे माइंड से नहीं हटा था, दैट बस कुछ ही साल पहले ये लोग मेरे पास सल्यूट करने नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट करने आते थे. सो नेल्सन मंडेला इज़ नॉट अपसेट विद देम बिकॉज दे वर जस्ट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी. दे वर सर्विंग द ओल्ड गवर्नमेंट, नाउ ऑल्सो दे आर सर्विंग द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट. फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पेलर जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. फाइनली एक और जेट बहुत सारे कलरफुल स्मोक स्मोक के ट्रेल्स छोड़ते हुए, स्मोक के लाइन्स छोड़ते हुए आगे बढ़ा, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्मोक थे, और ये डिफरेंट कलर्स साउथ अफ्रीका के डिफरेंट कम्युनिटीज़ को सिम्बलाइज करता था, जो कि ये सारे कलर अब साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के हिस्सा बनने वाले थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelele Africa and black singing Die Stem. Okay? उस दिन का सबसे स्पेशल चीज़ मेरे लिए ये था कि साउथ अफ्रीका का दो नेशनल एंथम, वाइट लोगों का कोसी सिकेलेले अफ्रीका एंड ब्लैक लोगों का Die Stem, दोनों ही ब्लैक एंड वाइट लोग एक साथ गा रहे थे. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. उस दिन दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं जानते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही उन सबको याद रहने वाला है, रह जाने वाला है. और पहले इन लोगों को एक दूसरे का नेशनल एंथम पसंद भी नहीं था. नाउ दे ऑल आर सिंगिंग टुगेदर. अगर आप लोग क्रिकेट मैचेस देखते होंगे, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका का टीम जब आता है उनके लिए दो नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका हैज़ टू नेशनल एंथम. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. इनॉग्रेशन के दिन पे मेरे माइंड में हिस्ट्री बहुत चल रहा था. आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय इट. ओवरवेल्म मीन्स भर जाना किसी चीज़ से. व्हेन जब हम बहुत खुश होते हैं, वी से आई एम ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस, राइट? तो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री मेरे अंदर भरा हुआ था. क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे. क्या सोच रहे थे? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, इन द
फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले तो 20th सेंचुरी किस टाइम को कहेंगे, 1900 टू 1999, दिस पीरियड इज़ नोन एज 20th सेंचुरी. एंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स फर्स्ट 10 ईयर्स, 1900 टू 1909, दिस पीरियड इज़ नोन एज द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. इसी समय जस्ट आफ्टर द एंग्लो बोयर वॉर, एंग्लो बोयर बहुत ही एक बिटर वॉर था जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, एंड जस्ट बिफोर माई बर्थ, मेरे पैदा होने से थोड़े ही दिन पहले क्या हुआ था, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन लोग थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम था एपार्टहाइड सिस्टम, जिसके चलते उन लोगों ने अपने ही लैंड के दूसरे ब्लैक लोगों को डोमिनेट करना शुरू कर दिया. ठीक है, द स्ट्रक्चर दे कॉन्सियस ऑफ अवेयर ऑफ क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. और इसी स्ट्रक्चर के वजह से दुनिया का एक सबसे ज़्यादा इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा हार्श सोसाइटी क्रिएट हो गया जो कि साउथ अफ्रीका में था, ब्लैक और वाइट लोगों के बीच का ये सोसाइटी. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a human, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people, regardless of the color of their skin. Lekin ab, 20th century ke last decade mein, ye 1994 ki baat hai, to 20th century ke last decade mein, wo system ko finally abolish kiya gaya, jo ki 20th century ke first decade mein shuru hua tha, aur jo itne dinon se, इतने दिनों से ब्लैक लोग जिस चीज़ से सफ़र कर रहे थे फाइनली वो ख़त्म हुआ. और ये मेरे पैदा होने के जस्ट कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था, कुछ ही साल पहले. एंड फाइनली आई एम अ 80 ईयर ओल्ड मैन, इट्स माय 8th डिकेड एज अ मैन. फाइनली इट्स ओवरटर्निंग फॉर एवर, ओवरटर्न मीन्स पलटना, फाइनली ये सिस्टम पलट गया और एक ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट किया है जो सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन, चाहे उनका स्किन का कलर कुछ भी हो. देन व्हाट ही सेज, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल. ये दिन आज हमको देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हमारे हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस के वजह से. And they have given unimaginable sacrifices, इतने बड़े बड़े sacrifices कि आप सोच भी नहीं सकते. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन लोगों का suffering, उन लोगों का courage कभी भी count नहीं किया जा सकता, या फिर हम उनको कभी repay नहीं कर सकते. जो उन्होंने हमें दिया है हम कभी चुका नहीं सकते. I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मैंने realize किया, और ये चीज़ मैं पहले भी realize कर चुका हूँ कि मैं उन सारे patriots का sum total हूँ. Patriot means देशभक्त, जो मेरे से पहले जा चुके हैं इस system के खिलाफ लड़ते लड़ते, मैं उन सब का sum total बन के यहाँ खड़ा हूँ. That long and noble line ended and now began again with me. वो एक लंबा लाइन है, दैट इज़ अ बिग लाइन एंड अ वेरी नॉबल लाइन ऑफ पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड इवन देयर लैंड फॉर द सेक ऑफ देयर पीपल. एंड दे ऑल सबमिट, दे ऑल कंबाइन इन मी. ओके, मेरे अंदर वो सब है. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट. ओके, मुझे ये चीज़ सोच के पेन होता है कि मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं उनको अपना ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पा रहा हूँ, और उनका सैक्रिफाइस हमारे लैंड के लिए क्या लेके आया है, इस सिस्टम को कैसे क्या बना चुका है उनका सैक्रिफाइस, ये वो देख नहीं पा रहे, ये सोच के मुझे पेन होता है. फिर क्या बोलते हैं मंडेला, द पॉलिसी ऑफ अपार्टहाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल. जो अपार्टहाइड का सिस्टम था जो 100 साल से चल रहा था, और इवन अपार्टहाइड से पहले भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही, इसके वजह से हमारे लोगों में, खास करके ब्लैक और कलर लोगों में, एक गहरा घाव हुआ है अपने हमारे सोसाइटी में. क्योंकि ऑफकोर्स इन लोगों को अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलता था, तो उनका सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होगा, कल्चरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होगा, ये लोग बहुत पुअर होंगे. तो इट हैज़ क्रिएटेड अ लास्टिंग वुंड हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में एक घाव जैसा बना दिया है.
All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. इस हर्ट से उभरने के लिए हमको बहुत साल लग जाएंगे. दो generations नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी बहुत साल लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन इससे जो घाव तो हुआ है, poverty आया है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए हैं जिसके वजह से हमें सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है. ये जो ऑपरेशन, ये जो ब्रुटैलिटी एक और चीज़ लेके आया है हमारे सोसाइटी के लिए, और जो कि अनइंटेंडेड था. ऑफकोर्स एपर्थेट सिस्टम का ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमें एपर्थेट सिस्टम के रिजल्ट में ये मिला है. क्या मिला है? एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सोबुएक्स ऑफ आवर टाइम. तो ऐसे बड़े बड़े ग्रेट लोगों को भी इसी सिस्टम ने ही क्रिएट किया है. इसी सिस्टम के ऑपरेशन के चलते इन लोगों का ये कैरेक्टर डेवलप हुआ है, राइट? यहाँ पे हर नाम से पहले द यूज़ किया गया. यूजुअली हम नेम से पहले द यूज़ नहीं करते, बट स्टिल इट हैज़ बीन यूज्ड हियर, बिकॉज हियर द नेम जस्ट नॉट जस्ट सिंबलाइज टू ओनली वन पर्सन, बट यहाँ पे जब द ओलिवर टॉम्बोस कहा जाता है, सिर्फ ओलिवर टॉम्बो को ही सिंबलाइज नहीं करता है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि ओलिवर टॉम्बो के जैसे थे उनको सिंबलाइज करता है. और हर नाम को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है. एक्चुअली ओलिवर टॉम्बो इज़ अ पर्सन, यहाँ पे लिखा गया ओलिवर टॉम्बोस, वॉल्टर सिसुलूस, राइट, चीफ लुथुली उनका नाम है, लेकिन द चीफ लुथुलिस ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये नाम सिंबलाइज करता है चीफ लुथुली के जैसे और बहुत सारे लोगों को जो साउथ अफ्रीका के लिए अपना लाइफ भी सैक्रिफाइस कर चुके हैं. सो ये ग्रेट लीडर्स, ये ग्रेट सैक्रिफाइज्ड, सॉरी, ये ग्रेट मार्टियर्स इसी सिस्टम के वजह से ही क्रिएट हुए हैं, राइट? अगर अपर्थेड सिस्टम नहीं होता तो ये लोग इतने ग्रेट होके शायद ना निकलते, शायद वो नॉर्मल अपना लाइफ भी स्पेंड करते जैसे हम और आप करते. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो ये लोग इतने courageous, इतने wise और generous है. Generous means जो दूसरों के help के लिए हमेशा तैयार रहता है. ये लोग इतने wise, generous and courageous है, brave है, कि शायद इनके जैसा फिर से कभी ना देखने को मिले. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. शायद इंसान के अंदर इतना ऊंचा कैरेक्टर तभी डेवलप हो पाता है जब उसको उतना ही ओप्रेस्ड किया जाता है, उतना ही ज़्यादा उस पर अत्याचार किया जाता है, तभी उसका कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा कंट्री वो सारे मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है. यू नो, साउथ अफ्रीका खास करके डायमंड्स के लिए जाना जाता है. डायमंड के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है. Beneath means नीचे, soil के नीचे तो बहुत सारे gems and minerals है. But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन उससे भी ज़्यादा, soil के नीचे जो diamond है उससे भी ज़्यादा wealthy है, उससे भी ज़्यादा क्या बोले, costly है इसके लोग. Finer and truer than the purest diamond. और हमारे लोग सबसे pure diamond से भी ज़्यादा pure है, सबसे fine diamond से भी ज़्यादा fine है, right? Then after that what he says, it is from this comrades in the struggle. The word comrade means actually a fellow member. Okay, to jab ye log struggle kar rahe the, ek dusre ke sath khade hoke struggle kar rahe the, right? To mere jo fellow members the, jo mere sath is struggle mein the, that I learned the meaning of courage. Unhi logon se hi maine courage ka meaning sikha hai. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. किसी एक आइडिया के लिए, किसी एक आइडिया के लिए मीन्स किसी एक सोच के लिए कोई अपनी जान भी दे सकता है, ये मैंने देखा है. I have seen men stand up to attack and torture without breaking. उन पर गोलियाँ चल रही थी, अटैक्स हो रहे थे, टॉर्चर किए जा रहे थे, और ये लोग बिना डरे खड़े हो रहे थे उस सिस्टम के अगेंस्ट में, अपना स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, ये मैंने देखा है. ओके, सो आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन. रेजिलियंस मीन्स, द वर्ड रेजिलियंस मीन्स एक्चुअली
हाउ टू से रेजिलियंस, व्हेन वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, व्हेन वी ट्राई टू रेजिस्ट समथिंग, जब हम कोई चीज़ को रोकने की कोशिश करते, दैट इज रेजिलियंस. ओके, तो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन. मैंने ये सीखा है कि करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है बल्कि फियर के ऊपर जीत है. आपके मन में अगर डर नहीं है उसको करेज नहीं कहा जाएगा. आपके मन में डर है लेकिन फिर भी उस डर को खातिर ना करते हुए उसके ऊपर आप जीत पाते हो. डर होते हुए भी आप उस काम को करते हो जिस पर आपको डर लगता है, वो है एक्चुअल करेज. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर. तो क्या बोलते हैं, ग्रेट मैन, ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसके मन में डर होता नहीं है, वो होता है जो उस डर को कंकर करके, उस डर के आगे बढ़ के उस काम को करता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है. ओके, तो आई हैड रेड समवेयर अ कोट दैट इफ़ यू कैन डू व्हाट यू फियर द मोस्ट देन यू कैन डू एनीथिंग. अगर आप वो कर सकते हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो लेट्स मूव अहेड. आगे क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट. वाओ, सच अ ब्यूटिफुल लाइन. क्या बोल रहे हैं, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और बैकग्राउंड और रिलीजन. कोई भी पर्सन पैदाइश ही दूसरे पर्सन को हेट नहीं करता. एक बच्चे को देखिए, दो या तीन साल का बच्चा जो वाइट हो वो दो या तीन साल के दूसरे बच्चा जो ब्लैक हो उसको हेट करता हो? ऑफकोर्स नॉट. उन दोनों को साथ में छोड़ दो, वो दोनों साथ में खेलने लगेंगे. कोई भी पैदाइशी दूसरे को हेट नहीं करता बिकॉज कि उसका स्किन कलर अलग है, रिलीजन अलग है. वो बड़ा होकर धीरे धीरे उसको हेट करना सीखता है. अगर एक इंसान हेट करना सीख सकता है तो लव करना भी सीख सकता है बिकॉज ह्यूमन बींग्स के लिए लव हेट से ज़्यादा नेचुरल है. ओके, तो क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि अगर आप हेट करना सीख सकते हो तो प्यार करना भी आराम से सीख सकते हो. क्यों? क्योंकि प्यार करना इजी होता है, हेट करना डिफिकल्ट होता है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कमरेड्स एंड आई वर पनिश्ड टू आवर लिमिट्स. क्या बोलते हैं, जब प्रिजन में थे हम लोग और सबसे ग्रीमेस्ट टाइम चल रहा था, सॉरी आई एक्सीडेंटली कट दैट पेज, सॉरी लेट अस गो बैक टू दैट पोर्शन. हाँ, हियर इट इज. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट मीन्स डार्केस्ट, सबसे सैडेस्ट टाइम जो था प्रिजन में, जहाँ पे मुझे और मेरे कमरेड्स मीन्स मेरे साथियों को पनिश किया जा रहा था, और एक्सट्रीम लेवल का पनिशमेंट, हमारे लिमिट के सबसे लास्ट पोर्शन तक हमें पनिश किया जा रहा था, तब भी आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. ओके, तब भी उन गार्ड्स के आँखों में, उनमें से एक गार्ड के आँखों में मैंने एक छोटा सा ह्यूमैनिटी का झलक देखा था. हो सकता है कि इन्हें कोई हार्श पनिशमेंट दिया जा रहा हो और उन गार्ड्स में से कोई उनके लिए पिटी फील कर रहा हो और उनको थोड़ा सा छोटा सा हेल्प कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा. तो उन पनिशमेंट के बीच में भी मैंने उन गार्ड्स में से किसी एक की आंखों में एक छोटा सा झलक देखा था ह्यूमैनिटी का, दया का, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड. वो लोग हमको पनिश कर रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे, लेकिन एक सेकेंड के लिए उन्हें बुरा भी लग रहा था, एक सेकेंड के लिए उन्हें उन पर दया भी आ रहा था. मैंने वो देखा था एक गार्ड के आँखों में, एंड बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन वो जो छोटा सा झलक देखा मैंने एक गार्ड के आंखों में, जो दया का था, करुणा का था, दैट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी. ये काफ़ी था मुझे रीअश्योर करने के लिए कि दुनिया में ह्यूमैनिटी अब भी है. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैन का जो गुडनेस होता है, ह्यूमन बींग का जो अच्छाई होता है, दया होती है, लव होता है, ये एक फायर की तरह है, फ्लेम, आग की तरह है. जो आग जब जलता है दैट इज़ कॉल्ड ए फ्लेम. उस फ्लेम को आप छिपा तो सकते हो लेकिन कभी बुझा नहीं सकते. तो मैं जो उस गार्ड के आंखों में अपने लिए दया देखा था, जस्ट फॉर अ सेकेंड, उतना काफ़ी था मुझे रीअश्योर करने के लिए एक दिन दुनिया में
हमारे होप के हिसाब से सब कुछ होगा, क्योंकि इंसान में इंसानियत अब भी बाकी है, बस ये लोग उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कभी मिटा नहीं सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू डिस्कस एंड राइट द answers to these questions. What are the questions? Number one, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? Military generals जो पहले आए थे उन्हें arrest करने के लिए, अब क्या कर रहे हैं, उनका attitude कैसे change हुआ है? Why were two national anthems sung? वहाँ पर दो national anthem क्यों बजे? How does Mandela describe the system of government in his country? First decade of 20th century, then in the final decade of 20th century, किस तरह से government का change हुआ है, कैसे वो सोचते हैं, describe करते हैं। What does courage mean to Mandela? Mandela के हिसाब से courage क्या है? We just read, right? Which does he think is natural to love or to hate? Human beings के लिए क्या natural है, प्यार करना या फिर नफरत करना? Mandela क्या बोलते हैं, इस बारे में हम discuss करेंगे। One day we will meet on Zoom and we will discuss all these questions. Till then I want all of you to read these portions and point out all the doubts you have, okay? So we will read the next portion in the next video. Thank you.